टॉम क्लेंसी विदाउट रिमोर्स मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 hour 49 minutes की, और ये सिर्फ इंग्लिश में रिलीज हुई है, हिंदी में नहीं हुई है। यार कहानी शुरू होती है जॉन कैली जो कि एक US मिलिट्री सोल्जर है, ये अपने एक मिशन में सीरिया जाता है जहाँ पर इनकी और इनकी टीम की मुठभेड़ हो जाती है रशियन मिलिट्री से। अब इस मुठभेड़ में किसी तरह से ऑब्वियसली जॉन कैली और उनकी टीम ही जीतती है, लेकिन 3 महीने बाद जब जॉन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ अपने घर पर होते हैं तभी ये जो रशियन एसेसिन है वो चुन चुन के वो जितने भी लोग थे उस पर्टिकुलर मिशन में उनको मारते हैं। तो यहाँ पर गलती से जॉन के बदले उसकी वाइफ की हो जाती है डेथ। फिर उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कैसे जॉन उन एसेसिन से बदला लेने की कोशिश करते हैं और फिर बदला लेते हैं या नहीं लेते हैं, और उसके बाद इन सारी चीज़ों में क्या बड़ा ट्विस्ट आता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा है, कहानी इतनी नई तो नहीं है, यानी कि इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी मूवीज़ में कहानी देख चुके, सिमिलर नॉट एग्जैक्ट सेम लेकिन सिमिलर देख चुके हैं, लेकिन फिर भी ये मूवी की जो शुरुआत है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है बिकॉज ऑफ माइकल, द वे हिज फेशियल एक्सप्रेशन, द वे ही परफॉर्म, और वो अपने कैरेक्टर में जिस तरह से खुश जाता है ना बंदा, उस वजह से आप ये मूवी देखते हो। लेकिन जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे आपको लिटिल बिट बोर फील होता है। अच्छे एक्शन सीक्वेंस होने के बावजूद भी स्क्रीन प्ले में उतना मज़ा है नहीं जितना हमें टॉम क्लेंसी की नॉवल पर दूसरी मूवीज को देखा, फॉर एग्जाम्पल जैक रैन, तो वो एक जो मज़ा है वो एक थ्रिल है ना वो यहाँ पर मिसिंग है। मूवी की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, एक्शन सीक्वेंस अच्छा है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जितने भी है बहुत ही यादगार है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सीन है जहाँ पर जॉन एक जलती हुई गाड़ी के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर एक विलन से इंटरोगेट करता है, पूछता है कि भाई मतलब अपनी यहाँ पर बताऊँगा नहीं क्या पूछता है लेकिन वो उससे पूछता है। तो वो सीन मैंने फर्स्ट टाइम किसी मूवी में देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और बहुत अच्छी तरह से उसको शूट भी किया। और दूसरा एक सीन जहाँ पर जॉन अकेले और रशियन एसेसिन से भिड़ता है जो गोलीबारी करता है अपने साथी को बचाने के लिए, वो सीन भी बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया, वहाँ पर भी देखकर मज़ा आया। लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसा खास एक्शन सीक्वेंस मुझे नहीं लगा जो मैं आपको यहाँ पर बता सकूँ। ओवरऑल सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, BGM अच्छा है, उसके परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यार माइकल बी जॉर्डन वन मैन शो कोशिश की बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करने की, और उन्होंने अपने कैरेक्टर के स्किन में घुस के परफॉर्म भी किया, लेकिन जो स्क्रीन प्ले है वो कुछ खास मज़ा नहीं आया। तो इस हिसाब से ये मूवी एक एवरेज हो गई मेरे हिसाब से। एडिटिंग अच्छी है लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, डायरेक्शन कुल भी इवन मोर बेटर, ठीक है यार लेकिन अच्छा नहीं लगा। और पेरेंटल गाइडेंस के लिए इतना ही बोलूँगा कि एक ही जगह पे किसी सीन है, बाकी इसमें कुछ भी एडल्ट सीन नहीं है। मैं इसको रेटिंग दूंगा 6 out of 10, इट्स एन एवरेज मूवी, देखना है तो देखो नहीं तो बस। इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।